भाई गुजरिया चैलेंजर के वार्ड ऑनर चेतन भाई सोलंकी, संजय भाई राठौड, राइजर्स के ऑनर सोनू भाई सुमरा, करण भाई मारू और एवेंजर के ऑनर है निखिल भाई मारू। इन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मैं, जिन्होंने अपनी 8 टीम यहां पर खरीदी हुई है, अपनी 8 टीम को बनाया हुआ है और 8 टीम बनाने के बाद जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, इस सभी ऑनर का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, मैं सभी से विनती करूंगा यहाँ पर जो प्रेक्षक बैठे हैं, क्योंकि ये ऑनरशिप जो टीम की जब ली गई तब जाके टीम बनी और टीम बनने के बाद ये टूर्नामेंट को यहाँ पर सक्सेस के रोड तोड़ पे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, तो ऑनर का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है, धन्यवाद। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, किशोर भाई चावड़ा यहाँ पर आए हुए सिल्वर क्रिकेट क्लब के एक शानदार खिलाड़ी है, शानदार गेंदबाजी, आपकी गेंदबाजी हमने देखी हुई है, महालक्ष्मी विस्तार का मैदान हो, आर्थ रोड का ये जो चिस्पोकली का मैदान हो या डर्बी का मैदान हो, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन सिल्वर क्रिकेट क्लब के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और हरीश भाई चावड़ा के साथ मैं यहाँ पर और ओमनी ग्लोबल स्पोर्ट मैनेजमेंट फॉर क्रिकेट का कोचिंग कमेटी एंड टूर, डोमेस्टिक यानी कि बाहर गांव आप जब जाते हैं क्रिकेट की कोचिंग लेने के लिए, खेलने के लिए, तो ये ओमनी ग्लोबल क्रिया स्पोर्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। उनके ओनर कहा जाए, उनके हर्ताकर्ता कहा जाए और उनके अगर एक बहुत बड़े सदस्य कहा जाए तो हरीश भाई चावड़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जिस भी क्रिकेटर को क्रिकेट के माध्यम से आपको जो भी योगदान चाहिए, कोचिंग के माध्यम से, आपको खेल के माध्यम से, तो आप हरीश भाई चावड़ा का जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। यहाँ पर आए हुए हैं, मुंबई मेघवाल पंचायत के एक सदस्य हैं और उनके माध्यम से आप क्रिकेट कोचिंग में आप आगे बढ़ेंगे। और अगर मैं इस बात को यहाँ पर दोहराऊं कि अगर गली क्रिकेट से अगर खिलाड़ी को निकलना है और गली क्रिकेट के माध्यम से अगर क्रिकेटर को निकलना है तो आप हरीश भाई चावड़ा का कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि उनकी कोचिंग में, उनके कोचिंग क्लासेस से आप को आगे क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। और गली क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो शिवाजी पार्क से हमने देखा मास्टर ब्लास्टर श्री सचिन रमेश तेंदुलकर सर, जिन्होंने शिवाजी पार्क के ग्राउंड से शारदा आश्रम से क्रिकेट की शुरुआत की थी, आज कई अनगिनत क्रिकेट के रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। तो मैं विनती करूंगा यहां पर जो भी क्रिकेटर है वो भी आगे जाके आगे बढ़ सकते हैं गली क्रिकेट से, तो आप भी अपना हुनर दिखाने के लिए हरीश भाई चावड़ा का कांटेक्ट कीजिए, ऐसा मैं ऐसी में आपसे अपेक्षा रखूंगा। फिलहाल अब खेल शुरू हो चुका है, पहली गेंद यहां पर हो चुकी है और धन्यवाद आप सभी को, ऑल द बेस्ट। दो रन का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ, किंग्स यहां पर बल्लेबाजी करती हुई। और यहां पर शायद मेरे ख्याल से दो रन यहां पर इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ, स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 5 रन, एक अच्छी शुरुआत। दो रन यहां पर इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ, स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 8 रन। जयेश और उनके साथी की जोड़ी मैदान के बीचों बीच यहां पर चलती हुई, किंग्स इलेवन के बल्लेबाज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दो दो रन से यहां पर जो स्कोर बने हुए अब तक बन चुके हैं करीब करीब 10 रन। विनोद भाई आपका बहुत बहुत आभार, आपने यहाँ पर कीमती समय निकालकर उपस्थित हुए, धन्यवाद, थैंक यू, इस क्रिकेट मंच की आपने शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत आभार। विनोद भाई आपका भी बहुत बहुत आभार।
एक रन का इशारा आता है, स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 11। एक रन, एक एक रन से यहां पर अपना योगदान देते हुए मनीष और जयेश की जोड़ी किंग्स इलेवन के लिए, किंग्स इलेवन जिसको कहा जाता है, किंग्स की टीम है। लेकिन मैं जरूर यहां पर बताना चाहूंगा किंग्स के बल्लेबाज को, क्योंकि किंग्स के बल्लेबाज को एक शानदार यहां पर रन की गति बढ़ानी होगी और एक अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा करना होगा, क्योंकि यहां पर बल्लेबाजी में अगर वे विरोधी टीम की अगर मैं बात करूं जो चैलेंजर है, उनके पास विशाल, रवि, ये कई ऐसे बड़े खिलाड़ी है, बड़े सितारे हैं, तो आपको वाइट का इशारा आता हुआ, एक अच्छा टोटल यहां पर खड़ा करना होगा किंग्स, और किंग्स के बल्लेबाज ये बखूबी जानते हैं, क्योंकि ये जो मुकाबला है कांटे का होने जा रहा है। अब तक यहां पर वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का, हमारे तरफ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 16। हल्का सा टेप किया, एक रन का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। एक बार फिर हल्का सा टैप किया, ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 18, यानी कि 9 रन प्रति ओवर यह स्कोर आगे बढ़ता हुआ, यानी कि पहली ओवर में अगर मैं बात करूं तो 10 रन बने थे, दूसरी ओवर की बात करूं तो 8 रन बने, 9 रन प्रति ओवर यह स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बोलने प्लीज, अमित गेंदबाजी का भार संभालते हुए, दो रन का इशारा आता हुआ, अमित गेंदबाजी का भार संभालते हुए, एक रन का इशारा आता हुआ, स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है करीब करीब 21 रन, और चौका लगता हुआ, शायद मेरे ख्याल से वहां पर 3 रन बचा सकते थे, लेकिन थोड़ी सी परेशानी क्योंकि कारपेट के जरिए गेंद गई थी और चौके की बदौलत अब स्कोर बढ़कर हो चुका है करीब करीब 26 रन, दो गेंद जाना बाकी। शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर होता हुआ अमित के माध्यम से, और इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद जाना बाकी। एक रन यहां पर चुराते हुए स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 27 रन, और अब मैं बताना चाहूंगा यहां पर जो एम्पायर के रूप में जो हमारे 4 एम्पायर उपस्थित हुए हैं, जिनको खास तौर पर बाहर से बुलाया गया है दादर विस्तार से, गिरीश भाई सोलंकी, भरत भाई परमार, दीपक भाई सोलंकी और बगी भाई पटेल, ये 4 एम्पायर है खास तौर पर यहां पर बुलाए हैं, आपका इस क्रिकेट के माध्यम से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। चारों एम्पायर और किरण भाई की अगर मैं बात करूं तो बड़े सितारे हैं अजर इलेवन के, एक शानदार खिलाड़ी गौतम नगर विस्तार की जो टीम है उनके, और एक रन इशारा यहां पर आता हुआ, विशाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। विशाल एक बहुत बड़े सितारे हैं टेनिस क्रिकेट इतिहास के, अब तक के अगर मैं बात करूं तो मैग इलेवन के खिलाड़ी है, अपने बीआरटी चाल मुंबई सेंट्रल की एक टीम है, उनके भी शानदार खिलाड़ी है। एक रन का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ, इसी के साथ देखिए छोटा सा मैदान है, चारों तरफ से यहां पर खिलाड़ी घिरे हुए हैं,
उनको भेद कर आपको बाउंड्री लाइन के पार गेंद में पहुंचानी है, बहुत ही कड़ा सामना करना होगा। और इसी के साथ शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन होता हुआ वह यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने 3 रन बचाए इस खिलाड़ी ने, बेहतरीन 3 रन बचे अब तक अगर मैं कहूं तो। स्कोर बनकर हो चुका है 31। विशाल गेंदबाजी का भार संभालते हुए अमित शायद थोड़े परेशान हुए, जाहिर सी बात है क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही तंदुरुस्त है और शानदार खिलाड़ी है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 32। थोड़ी सी रन की गति यहां पर धीमी हो चुकी है और रन की गति की अगर मैं बात करूं तो 4 ओवर की समाप्ति पर 32 रन हुए हैं। एक अच्छी शुरुआत यहां पर अभी भी देखने को मिलती हुई, बॉलर एक रन डिक्लेयर भी खेल गई। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 34, 34 रन बिना कोई नुकसान। पैंतीस रन हुए, राजेश भाई एक रन यहां पर डिक्लेयर के रूप में मिलता हुआ। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 36 और अभी भी 2 गेंद जाना बाकी इस ओवर की। आखिरी गेंद इस ओवर की, स्कोर अभी भी रुका हुआ 36 पर। तो अब तक की अगर मैं बात करूं तो दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी यहां पर देखने को मिलती हुई किंग्स के बल्लेबाज के पूरी टीम की ओर से। अब आए हुए अभी एक तेज तरह बल्लेबाज है, 2 रन का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 5 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत अब तक देखा जाए यहां पर, शानदार बल्लेबाजी होती हुई 7.25 के आसपास का जो यहां पर रन रेट जो बना हुआ है उसको यहां पर बरकरार हो। इसी के साथ शायद मेरे ख्याल से वहां पर स्टाम्प उखाड़ दिया था, लेकिन एम्पायर ने जो बेहतरीन एम्पायरिंग का जो नजारा यहां पर दिया है बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। लेकिन यहां पर देखा जाए कि टीम कॉल में थोड़ी परेशानी थी, दोनों खिलाड़ियों के बीच में कॉल ठीक तरह से नहीं था। और वहां पर रन आउट के रूप में अपनी विकेट गवाई और दूसरा ब्रिटानिया झटका यहां पर लगता हुआ 39 रनों पर। रिव्यू मेरे ख्याल से शायद लिया है लेकिन नकार दिया है। और किंग्स की टीम की मैं यहां पर जरूर प्रशंसा करना चाहूंगा क्योंकि
ये जो रिव्यू उन्होंने यहाँ पर लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि स्कोर अगर की अगर मैं बात करूं तो 39 रन अब तक हो चुके हैं, अच्छी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, चार गेंद अभी भी जाना बाकी इस ओवर में। दो बड़े सितारे आमने सामने, 41 रन हुए, दो गेंद अभी भी जाना बाकी इस ओवर की। डिक्लेयर एक रन, 42 रन हो चुके हैं, आखिरी गेंद जाना बाकी इस ओवर की। अब देखना चाहेंगे आखिरी गेंद पर कितने रन बनेंगे। दो रनों का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ, धन्यवाद थैंक यू। और एम्पायर का जो निर्णय, इसी के साथ दो रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 44 रन 44, दो विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर 45 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को हासिल करने के लिए यहां पर चैलेंजर को। अभी किंग्स के विरुद्ध 36 गेंदों पर 45 रन की एक अच्छी जो यहां पर टारगेट रखी गई है, बहुत बड़ा एक रन रेट यहां पर रखा गया है, एक अच्छा यहां पर खेल दिखाना होगा। फिलहाल खेल रुका हुआ और